अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं होम किचन। आज हम आपको चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी बताएंगे कि कैसे आप घर में आसान तरीके से चिकन वाइट कढ़ाई बना सकते हैं। इसके लिए जो हमें अजज़ा चाहिए, चिकन चाहिए हड्डी वाला 750 ग्राम, उसके अलावा चाहिए सिरका, धनिया पिसा हुआ, हरी मिर्च चॉप की हुई अच्छे से, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च साबुत, और उसके अलावा क्रीम चाहिए, एंड पे डालेंगे और दही। सबसे पहले चिकन को डालेंगे ऑयल में, इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। अल्लाह करम करी, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अच्छा नाजी दोस्तों, अगर आपका देखेंगे चिकन अक्सर जो होता है कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, तो आप थोड़ा सा इसमें नमक फेंक लें। नमक की शावरिंग करने से ये होगा कि चिकन जो है वो साथ नहीं फैलेगा, मुझे तंग करता है, बोटी साथ चिमट जाती है तो वो फिर आपको तंग नहीं करेगा। दोस्तों इसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको जो है ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको मतलब जैसे आपको जो नज़र आ रहा है ना चिकन वाइट ही रहना चाहिए चिकन, बहुत ज़्यादा जो है ना आपने इसको फ्राई भी नहीं करना और आपने कोशिश करनी इसका कलर वाइट ही रहे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, बनाया था, कोशिश किया करें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करें। आजकल तो वैसे भी कुछ मुदाफत में भी बहुत फ़ायदेमंद है अदरक लहसुन, जो हालात चल रहे हैं इसमें भी बहुत अच्छा है। हर आप कोशिश किया करें कि अपने हर खाने में जो है अदरक लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करें, बहुत सारे अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे जो है ना फायदे छुपाए हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सिरका, ताकि जो स्मेल होती है चिकन की वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। इसमें हम बकाया मसाला ज़्यादा डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था वो डाल रहे हैं, इसके अलावा डालेंगे काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, नमक, इनको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें दही, दही डाल देंगे कम अज कम, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा अगर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम इसमें ग्रेवी भी बनाएं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्याज बॉयल करके उसको जो है आप जग में जो है वो ग्राइंड कर लें, और जिस समय आपने इसमें ये दही डालनी उसी वक्त वो आप उसमें प्याज डाल दें, उससे ये होगा कि आपकी ऐसी ग्रेवी बन जाएगी, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ग्रेवी बहुत कम बनती है। जिन लोगों को ग्रेवी पसंद है वो इस तरह ग्रेवी भी बना सकते हैं।
इसमें डालेंगे साबुत हरी मिर्ची और इसमें ऐड करेंगे दही क्रीम। करेंगे मिक्सिंग। देखें कितना प्यारा सा कलर आएगा। ऊपर डाल देंगे गरम मसाला और इसको लगा देंगे 2 मिनट के लिए दम। तो ये मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। वस्सलाम।